टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ज्योग्राफी का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच वॉज गिवन बाय एल्फ्रेड वेगनर इन 1915 में एल्फ्रेड वेगनर साहब ने सबसे पहले इस थ्योरी को बताया था। इस थ्योरी को बताने के पहले इन्होंने 1915 में अपनी बुक में मेंशन किया था अबाउट दिस थ्योरी। इस थ्योरी को बताने के पहले जब ये चीज़ें बताते थे तो लोग जितने भी स्कॉलर्स थे साइंटिस्ट थे दे वर अगेंस्ट दिस थ्योरी कि ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले कहा था सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स जो आज की डेट में अलग अलग 7 कॉन्टिनेंट हम बोलते हैं दे वर ऑल द पार्ट ऑफ अ सिंगल लैंडमास। इन्होंने कहा था पहले ये पूरे एक लैंडमास हुआ करते थे, ठीक है। तो ये इट वॉज अगेंस्ट बाय हाँ तो इन इस थ्योरी के अगेंस्ट में बहुत सारे लोग थे। फिर एल्फ्रेड वेगनर साहब ने 1915 में एक बुक लिखी थी, उस बुक में इस थ्योरी के बारे में लिखा जिससे उन्होंने कई सारे प्रूफ दिए, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ ये थ्योरी अभी तक जितनी भी थ्योरी दी गई है उसमें सबसे प्रूवन थ्योरी है। एक्चुअली इट इज़ एन हाइपोथेसिस, ये सिर्फ एक मनगढ़ंत चीज़ है। किसी एट दैट टाइम जब कॉन्टिनेंट्स बने थे तब कोई भी नहीं था, ये हमें ही पता है, लेकिन जो थ्योरी इन्होंने दी है उस थ्योरी को अगर हम देखते हैं तो हम मान सकते हैं कि हाँ बहुत सारी चीज़ें सही है। अब हम देखते हैं थ्योरी एक्चुअली थी क्या। इन्होंने कहा था प्रीवियसली एंशियंट टाइम में हमारे पास जो अर्थ थी अर्थ में सिर्फ दो चीज़ें हुआ करती थी, एक लैंडमास का पार्ट था और एक वाटर बॉडी था। बेसिकली ये शेप आप देख रहे हैं शेप, ये शेप अर्थ का है। अर्थ का शेप ना ही स्फीयर होता है ना ही कई लोग बोलते हैं अंडे आकार होता है, चपाती के जैसे होता है, स्फीयर होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। इस शेप को बोलते हैं जियोडी। क्या बोलते हैं? जियोडी। द शेप ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोडी। नाउ इसमें पहले हुआ करता था एक लैंडमास, उस लैंडमास को कहा जाता था पेंजिया। उसके आसपास पूरा जो होता था चारों तरफ वो वाटर बॉडी था जिसको बोलते थे पेंथालसा। बस दो ही चीज़ हुआ करती थी। ये जो लैंडमास है ये फूटा, इसमें कुछ हुआ जिसके कारण ये स्प्लिट हो गया आज की डेट में जो हम बोलते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स। अब देखते हैं क्या हुआ। इसके पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट आर टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है? टेक्टोनिक प्लेट्स वो प्लेट्स हैं जो इस लैंडमास के नीचे हमारे अर्थ क्रस्ट के नीचे बहुत सारी प्लेट्स हैं, वो प्लेट्स का मूवमेंट कंटिन्यूसली होता है। उन जो प्लेट्स होती हैं उनके तीन तरीके की मूवमेंट्स होते हैं, हम बोल सकते हैं 3 बाउंड्रीज दे यूज टू फॉर्म। पहली होती है कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री का मतलब होता है जब दो प्लेट एक दूसरे के नजदीक आती हैं। दो प्लेट्स हैं, व्हेन दे यूज टू कम वन अनदर, जब अपने पास आने की कोशिश करती है, जब दो चीजें अपने पास आती हैं तो टकराव होता है। टकराव होने के बाद एक ऊपर जाएगी एक नीचे जाएगी। बेसिकली जब ऐसा कुछ होता है, ऐसा कोई मूवमेंट होता है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री दैट इज कन्वर्जेंट बाउंड्री, तो यहां पर प्लेट्यूज जनरेट होते हैं या माउंटेन जनरेट होते हैं एंड वाइब्रेशन तो जनरेट होता ही है, और वाइब्रेशन जनरेट होंगे तो नीचे से हीट डेवलप होगी। सेकेंड होता है आपका जब मूवमेंट, अभी ये पास आ रहे थे अब ये दूर दूर जाएंगे, जब दूर दूर जाते हैं तो उसे कहते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री। दो प्लेट जब एक दूसरे से दूर जाएंगे तो बीच में गड्ढा बनेगा, तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें क्या मिलते हैं? ट्रेंचेस जनरेट होती हैं। क्या जनरेट होती हैं? ट्रेंचेस। ट्रेंचेस का मतलब होता है खाई, गहरी चीजें। तो वहां पे अगर पानी है ग्लेशियर फिगर के आपका लेक्स बना लेंगे, सी बना लेंगे, ये सारी चीज बनेंगी अगर डाइवर्जेंट मूवमेंट होता है। और तीसरा होता है ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। ट्रांसफॉर्म मूवमेंट इज नथिंग, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट को रब करे बैक एंड फोर्थ दैट इज पैरेलल मूवमेंट। इस समय भी वाइब्रेशन जनरेट होते हैं। इन तीनों मूवमेंट में, इन तीनों बाउंड्रीज बनाते समय जब टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं इनके नीचे तो बहुत सारी हीट डेवलप होती है। हीट डेवलप होगी तो सेम चीज इसके नीचे हो रही है। इसके नीचे इतनी हीट डेवलप हुई कि ये प्लेट अनस्टेबल हुई और सडनली नीचे से ब्लास्ट हुआ। जब ये ब्लास्ट हुआ तो फाइनली इट वॉज डिवाइडेड इंटू, सबसे पहले ये प्लेट दो पार्ट में टूट गई, एक चला गया ऊपर और एक चला गया नीचे, मतलब इक्वेटर के एक पार्ट ऊपर चला गया एक पार्ट नीचे चला गया। जो पार्ट ऊपर गया उसे हमने नाम दिया अंगारा लैंड और जो पार्ट नीचे गया उसे हमने नाम दिया गोंडवाना लैंड। फाइन, जो ऊपर गया पार्ट उसे कहते हैं अंगारा लैंड, जो नीचे गया उसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। बेसिकली इट वॉज द पार्ट ऑफ पेंजिया। पेंजिया दो पार्ट में स्प्लिट हो गया सबसे पहले। अभी भी आजू बाजू क्या है? पानी ही है, बीच में ही पानी भर गया, ठीक है। इसके बाद जब अर्थ में इंडिया की पोजिशन देखते हैं, इंडिया की पोजिशन कहां पर लाई करती है? हम बोलते हैं भाई ऊपर की तरफ, यहां दिस इज 0 degree लाइन दैट इज इक्वेटर। ऊपर होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बिल्कुल सेंटर से निकलती है, इंडिया के 8 स्टेट्स को कवर करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 8 स्टेट्स का नाम आपको पता होगा, ये फिर कभी डिस्कस करते हैं।
आठ स्टेट से होकर निकलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब यहाँ पे है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री या हिस्ट्री ज्योग्राफी व्हाटएवर, तो हम बोलते हैं इंडिया इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, और गोंडवाना तो नीचे है। तो भाई जब गोंडवाना लैंड नीचे है, हमारी पोजीशन ऊपर कैसे चली गई? तो यहाँ पे है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यहीं पे स्टार्ट होती है। बेसिकली अभी दो पार्ट में टूटा, दो पार्ट में, एक ऊपर चली गई अंगारा लैंड, नीचे चला गया गोंडवाना लैंड। इसके बाद फिर से जो इंडिया की प्लेट थी और बाकी सारी प्लेट थी वो अभी भी अनस्टेबल थी। हमने देखा नीचे से जो गोंडवाना लैंडमास था, यहां से एक टुकड़ा टूट के साउथ ईस्ट की तरफ मूव होना स्टार्ट हुआ, एक बड़ा सा लैंडमास जिसको आपने नाम दे दिया बाद में ऑस्ट्रेलिया। हमारे लेफ्ट साइड से एक और प्लेट टूट के गई जिसे बोलते हैं साउथ अमेरिका। यहां पे दो पार्ट हुआ करते थे अफ्रीका के जस्ट नीचे, एक था इंडिया और दूसरा था मेडागास्कर। आप वर्ल्ड मैप निकाला है, वर्ल्ड मैप में सबसे पहले देखिएगा, अफ्रीका के जस्ट नीचे एक छोटा सा आइलैंड है जिसको बोलते हैं मेडागास्कर, उसके ऊपर एक मूवी भी आई थी। तो मेडागास्कर आया, उसके बाजू से इंडिया की एक बड़ी प्लेट भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होनी स्टार्ट कर दी। जब ये इंडिया की प्लेट ऊपर जा रही थी, इंडिया चूंकि बड़ा लैंडमास है, पानी का फोर्स उसमें कम लगा तो ये ऊपर जाता गया। जो हमारा मेडागास्कर था उसकी प्लेट बहुत छोटी थी, जब ये ऊपर जा रहा था तो कंटिन्यूसली पानी इसको फोर्स दे रहा था जिसके कारण वो बीच में जाके रुक गया। तो मेडागास्कर आइलैंड आप देखेंगे अफ्रीका से थोड़ी ही दूरी पे है। इंडिया की प्लेट ऊपर जाते गई, इक्वेटर को क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद जो यहाँ पे यूरेशिया की प्लेट थी, यूरेशिया मतलब बेसिकली अंगारा लैंड की जो प्लेट थी, यूरेशिया से मतलब है यूरोप प्लस एशिया, ये जो प्लेट थी यहाँ पे चाइना है। चाइना के नीचे उस समय हुआ करता था टैथिस सी, क्या हुआ करता था टैथिस सी। जब इंडिया का लैंडमास ऊपर की तरफ जाने लगा तो चाइना की प्लेट से टकराने के पहले वो टैथिस सी से गुजरा। टैथिस सी की जमीन, सी और समुद्र, ओशियन में डिफरेंस क्या होता है, ओशियन ज़्यादा गहरा होता है, सी थोड़ा उथला होता है। तो टैथिस सी की जमीन कंटिन्यूसली फोल्ड होना स्टार्ट की। बेसिकली आप एक हैंकी टेबल पर रखें, एक तरफ हैंकी को प्रेस करें, दूसरी तरफ से हैंकी को धक्का देना स्टार्ट करें, बेसिक क्या होगा, हैंकी में फोल्ड जनरेट हो जाएंगे। वही फोल्ड जो है आज हम उसे बोलते हैं द न्यू फोल्ड माउंटेन रेंजेस, दैट इज हिमालयन रेंजेस। इसलिए हिमालयन रेंजेस का एक और नाम है, अगर कोई आपसे पूछता है यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड तो आप बोलेंगे हिमालयन रेंज। कौन सी है? हिमालयन रेंज। फाइन, तो टैथिस सी की जो जमीन थी वो ऊपर बढ़ गई और फोल्ड में कन्वर्ट हुई और वो क्या बन गया, हिमालय रेंजेस। अब इंडिया की प्लेट ऊपर की तरफ कंटिन्यूअसली धक्का दे रही है, आज भी इंडिया की प्लेट जो है वो अनस्टेबल है। लोगों का कहना है और रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट ने देखा है कि हिमालय की हाइट कंटिन्यूअसली ग्रो हो रही है, बढ़ रही है। अभी इसलिए हम बोलते हैं हिमालय को जवान माउंटेन रेंज, यंग माउंटेन रेंज, क्योंकि उसकी रेंज कंटिन्यूअसली हाइट बढ़ रही है। और कहा जाता है इन मिलियंस ट्रिलियंस बहुत सालों बाद, मतलब हम नहीं रहेंगे, हमारे जैसे कई पीढ़ियां और निकल जाएंगी, तब कहा जाता है कि इंडिया की प्लेट भी एक दिन क्या होगा, पूरी हिमालय के नीचे आ जाएगी। समझ गए? अगर कोई आपसे पूछता है जो हमारा हिमालयन रेंजेस है वो किसका पार्ट है, तो बेसिकली वो किसका पार्ट है, टैथिस सी का पार्ट है। वो ना ही चाइना की प्लेट से है, ना ही वो इंडिया की प्लेट से है, वो कहाँ से है, टैथिस सी का पार्ट है। इसलिए हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, समुद्र के नीचे था, समुद्र के नीचे सेडिमेंट्री रॉक्स पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के कारण वहाँ पे बहुत सारी वनस्पति, दैट इज वेजिटेशन, प्लस बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स वहाँ मिलते हैं। हमें सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल हमें मिलता है एंथ्रासाइट वहीं पर। ठीक है, ऊपर चला गया। अब हमने देखा जब ये ऊपर गया तो वहाँ टैथिस सी का पानी था, टैथिस सी का पानी कहाँ गया, टैथिस सी का पानी इंडिया के राइट साइड पे जो गया, दैट इज ईस्ट वर्ड डायरेक्शन में, तो वहाँ पे जनरेट हुआ बे ऑफ बंगाल। लेफ्ट साइड पे गया, दैट इज अरेबियन सी, दो सी बन गए। इसके बाद हमने देखा इंडिया की पोजीशन बहुत प्रोमिनेंट है, क्योंकि इंडिया की पोजीशन से आप कहीं पे भी, ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं समुद्र की तरफ से, श्रीलंका भी जा सकते हैं, यूरोप भी जा सकते हैं, अफ्रीका भी जा सकते हैं। इसलिए इंडिया के जो नीचे जस्ट समुद्र है उसका नाम दे दिया गया इंडियन ओशियन। क्या नाम दे दिया गया? इंडियन ओशियन। अब हमने देखा जब यहां पे बन गया यूरेशिया, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अटलांटिक, एंटार्क्टिका, सॉरी, दिस इज एंटार्क्टिका, दिस इज अटलांटिक ओशियन। फाइन, ये जो सात हमारे कॉन्टिनेंट्स बने, यहां पे बीच बीच में पानी भरा, यहां पे मैंने बताया इंडियन ओशियन, यहां पे जो पानी भर गया इसका नाम दे दिया गया मेडिटेरियन सी। क्या नाम दे दिया गया? मेडिटेरियन सी, इसका नाम हो गया मेडिटेरियन सी।
इसके बाद जो बाकी पानी बचा आजू बाजू, अब इसका नाम पेंथालसा तो हम रख नहीं सकते क्योंकि पेंथालसा का पानी बहुत सारा यहाँ चला गया, बहुत सारा यहाँ चला गया, जिनका अलग अलग नाम दे दिया, तो हमने पेंथालसा सी का भी नाम बदल के क्या नाम रख दिया, पैसिफिक ओशियन। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है, पैसिफिक ओशियन। वर्ल्ड का सबसे गहरा ओशियन कौन सा है, पैसिफिक ओशियन। वर्ल्ड की सबसे गहरी ट्रेंच, दैट इज वर्ल्ड की सबसे गहरी खाई कौन सी है, दैट इज मैरियाना ट्रेंच, दैट इट इज ऑल्सो लोकेटेड इन पैसिफिक ओशियन इटसेल्फ। समझ गए? हाँ, तो ये है हमारा पूरा अर्थ। अर्थ में 7 कॉन्टिनेंट, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड दिस इज अंटार्कटिका। दिस इज कॉल्ड आर्कटिक ओशियन। यहां जो बीच में पानी भर गया था इसका नाम हम दे दिया अटलांटिक ओशियन, और इंडिया के नीचे वाला जो ओशियन है इसका नाम दे दिया इंडियन ओशियन। अब जो बाकी का पानी है चारों तरफ इसको हमने दे दिया पैसिफिक ओशियन। वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशियन मैंने अभी बताया पैसिफिक ओशियन, एक और है इंडियन ओशियन, एक और है अटलांटिक ओशियन, एक और है आर्कटिक ओशियन। क्वेश्चन यहां पे एक पूछ रहा हूं मैं, हम जब नॉर्थ पोल की बात करते हैं और साउथ पोल की बात करते हैं दोनों की फिजियोग्राफिक जो फिजियोग्राफिक जो कंडीशन है दोनों की लगभग सेम है। यहाँ पे 6 महीने अंधेरा होता है, यहाँ भी 6 महीने अंधेरा होता है, उजाला यहाँ भी होता है 6 महीने, यहाँ भी उजाला होता है, यहाँ भी पोलर रीजन है, यहाँ भी पोलर रीजन है, मतलब दोनों जगह बेसिकली आप बोल सकते हो बर्फ है, दोनों जगह ह्यूमन सेटलमेंट कम है, फिर भी हम इसको कॉन्टिनेंट बोलते हैं, इसको कॉन्टिनेंट नहीं बोलते हैं, वाई? सो द आंसर इज सिंपल, हमने अभी बताया था कॉन्टिनेंट्स, आपने अभी जितना पढ़ा उससे समझ में आ रहा है कॉन्टिनेंट बेसिकली पार्ट किसके हैं। इनिशियली जब दो पार्ट हुआ करते थे, एक पेंजिया और दूसरा पेंथालसा, पेंथालसा वो था जो वाटर बॉडी था, पेंजिया वो पार्ट था जो लैंडमास था। ये जो पार्ट है इट वॉज अ पार्ट ऑफ पेंजिया, नॉट द पार्ट ऑफ पेंथालसा। यहाँ जो पार्ट है ये पेंथालसा का पार्ट है, पेंथालसा वाटर बॉडी है इसलिए इसको ओशियन नाम दिया, पेंजिया लैंडमास था इसलिए इसका नाम हमने कॉन्टिनेंट दिया। गेटिंग? और कॉन्टिनेंट इसके ऊपर ऑब्वियसली आते, अगर यहाँ पे ठंड है जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में ठंड होती है, जमीन है लेकिन वहाँ पे क्या बर्फ जमी हुई है, सेम कंडीशन इज हियर, यहाँ पे ठंड है यहाँ भी बर्फ जमी हुई है। समझ गए? ओके, इट वॉज ऑल अबाउट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। थैंक यू।